दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें डेली न्यूज अपडेट और बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट मिले सबसे पहले आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं डेली न्यूज अपडेट। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में हाहाकार मचा रखा है। देश में भी इस खतरनाक संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस की दवा मिल गई है। किताब के एक पन्ने की तस्वीर शेयर कर दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस नई बीमारी नहीं है और यूपी बोर्ड के स्कूलों में पढ़ाए जाने वाली जंतु विज्ञान की किताब में कोरोना वायरस का जिक्र किया जा चुका है। इस किताब में कोरोना वायरस के लक्षण, उसके फैलने के तरीके और उपचार के बारे में भी बताया गया है। डॉक्टर रमेश गुप्ता की लिखी इस किताब में बताया गया है कि साधारण जुकाम अलग अलग तरह के वायरस के जरिए होता है, जिसमें 75% राइनो वायरस और बाकी में कोरोना वायरस जिम्मेदार होता है। यह रोग मौसम में बदलाव की वजह से होता है। इस रोग का संक्रमण छींकने से हवा में मौजूद बिंदु कणों द्वारा होता है। इसके अलावा जब कोई संक्रमित शख्स दरवाजों के हैंडल, घुंडियों आदि को छूता है तो वायरस कण वहां पर लग जाते हैं और वहां से स्वस्थ इंसान में संक्रमण हो जाता है। इस रोग के उपचार हेतु एस्पिरिन, एंटीहिस्टामिन और नेजल स्प्रे लाभप्रद है। यह बात सही है कि कोरोना वायरस नई बीमारी नहीं है, लेकिन अभी जो बीमारी महामारी बनकर फैल रही है वह कोरोना परिवार के नए वायरस नोवल कोरोना वायरस यानी COVID-19 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की आधिकारिक वेबसाइट पर कोरोना वायरस के बारे में बताया गया है कि कोरोना वायरस वायरस का एक बड़ा परिवार है जो जानवरों या मनुष्यों को बीमार कर सकता है। कई कोरोना वायरस मनुष्यों में सामान्य सर्दी से लेकर गंभीर बीमारियों जैसे मर्स और सार्स जैसी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। हाल ही में खोजे गए नए कोरोना वायरस से जो बीमारी होती है उसे कोरोना वायरस डिजीज COVID-19 नाम दिया गया है। इसलिए किताब में कोरोना वायरस का जो इलाज बताया गया है उससे अभी के कोरोना वायरस यानी COVID-19 का इलाज हो पाएगा यह कहा नहीं जा सकता है। बता दें कि WHO ने अपने वेबसाइट पर बताया है कि COVID-19 के संक्रमण का अभी तक कोई इलाज नहीं है, क्योंकि अब तक इसकी कोई वैक्सीन या दवा नहीं बनी है। दोस्तों, खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।